दोस्तों क्या आप जानते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए आपकी न्यूनतम तनख्वाह यानी मिनिमम वेजेस तय कर रखी है। किसी भी कीमत पर आपको उस तनख्वाह से कम सैलरी नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों जी हां, आज हम बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की। इस एक्ट के बारे में सभी एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को जान लेना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयज को इसलिए जान लेना चाहिए ताकि वे ये पता कर सके कि उन्हें अपनी न्यूनतम जो उनका हक है उससे कम तनख्वाह तो नहीं दी जा रही है। इस लॉ की इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो लेबर मिनिस्ट्री है, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, और यदि इससे कम आपको वेजेस मिल रही है तो उसकी आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। और एम्प्लॉयर्स को इसलिए जान लेना जरूरी है क्योंकि इस एक्ट का उल्लंघन आपको पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट की तरफ लेके जा सकता है। तो आपको इसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करना है और अपने एम्प्लॉयज को न्यूनतम तनख्वाह जितनी मिनिमम वेजेस एक्ट में स्पेसिफाइड है उतनी देनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 3 एग्जाम्पल भी बताऊंगा वीडियो के अंत में, जिस टेबल्स के आधार पर आप अपने स्टेट की और अपने कार्य की मिनिमम वेजेस निकाल पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 3 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, वो है राजस्थान का, महाराष्ट्र का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन इन्हीं एग्जाम्पल को यूज करते हुए आप भी अपनी मिनिमम वेजेस निकाल पाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जितने जितने स्टेट्स के लिंक दे पाएं उतनी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करेंगे, ताकि डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप अपनी मिनिमम वेजेस पता कर लें। दोस्तों मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूं एक थर्ड जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट, और जिस चैनल को आप देख रहे हैं उसका नाम है लेबर लॉ एडवाइजर। मैं और मंदीप इस चैनल को चलाते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, पहले फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दें। हम एक वीक में 2 से 3 वीडियोस नए नए टॉपिक्स पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों 1948 में सबसे पहले भारत में मिनिमम वेजेस एक्ट लाया गया। इसका उद्देश्य यह था कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको उतनी तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए जिससे वो एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। जब पहली बार ये एक्ट आया था तो गवर्नमेंट ने 12 प्रकार के कार्यों की मिनिमम वेजेस तय करी। उसके बाद धीरे धीरे और कार्य जोड़े गए और आज इस लिस्ट में सैकड़ों कार्य हैं, और लगभग सभी प्रकार के कार्य जो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, शॉप्स, कंस्ट्रक्शन इत्यादि से रिलेटेड हैं वो सारे इसके अंदर स्पेसिफाइड हैं और इसमें सभी की मिनिमम वेजेस तय है। इससे पहले कि आगे बढ़े हमको 2-3 बातें जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहला गवर्निंग बॉडी। तो आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको ये पता करना होगा कि आपकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है। उदाहरण के लिए यदि आप माइनिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसकी गवर्निंग बॉडी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं यदि आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं तो उसकी गवर्निंग बॉडी होती है स्टेट गवर्नमेंट। कंस्ट्रक्शन की यदि कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसकी गवर्निंग बॉडी स्टेट भी हो सकती है और सेंट्रल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वो प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत एग्जीक्यूट किया जा रहा है। यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एग्जीक्यूट किया जा रहा है, कुछ नेशनल हाईवे इत्यादि बन रहे हैं तो वहां पर आपको सेंट्रल की मिनिमम वेजेस मिलेगी, और यदि कोई स्टेट का प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहां पर स्टेट की मिनिमम वेजेस मिलेगी। तो पहला आपको ये कार्य करना है कि आपको पता करना है आपके अंतर्गत कौन सा एक्ट लगता है, सेंट्रल या स्टेट। फिर दूसरी चीज जो काम में आती है वो है एम्प्लॉय का स्किल लेवल। एम्प्लॉय को जनरली 4 या 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला है अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड और क्लरिकल वर्क। आइए इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लीजिए तो उसमें जो लोएस्ट कैटेगरी के वर्कर होते हैं, जो बिल्कुल नए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे होते हैं, उनको अनस्किल्ड कैटेगरी में रखा जाता है, और जनरली वो ऐसा कार्य करते हैं जिसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती या बहुत स्किल या प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि उन्होंने बजरी को इधर से उधर ले जाना, ब्रिक्स को उठाना इत्यादि। जो दूसरी कैटेगरी के वर्कर होते हैं जो सेमी स्किल्ड होते हैं, उन्हें लगभग 3 साल का अनुभव होता है तो वो सेमी स्किल्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। सेमी स्किल्ड वर्कर जो काम करते हैं जैसे कि बजरी को सीमेंट के साथ मिक्स करना, बजरी को छानना इत्यादि, ऐसे कार्य जो सेमी स्किल्ड बंदा कर सकता है वो सेमी स्किल्ड कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से आप इस उदाहरण से अलग अलग इंडस्ट्रीज को भी पिकअप कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण लें, जो स्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है जो ब्रिक्स, दीवार की ब्रिक्स लगाते हैं, सरिये को बाइंड करते हैं इत्यादि, वो स्किल्ड वर्कर हो जाते हैं। और हाईली स्किल्ड की जब बात आती है तो इसके अंदर वो वर्कर आते हैं जिनमें बहुत सारा उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे पीओपी के वर्कर हो गए, या फिर आपको प्लास्टरिंग करनी है एकदम स्ट्रेट, जो उसका मेजरमेंट इत्यादि ले सकते हैं, ये सब हाईली स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में आते हैं।
पांचवी जो कैटेगरी जो हर स्टेट में सब्सक्राइब नहीं है लेकिन कई जगह वो मेंशन होती है, वो है क्लरिकल वर्क। क्लरिकल वर्क जो ऑफिस वर्क ऑन पेपर जॉब करते हैं, डेटा फीडिंग ऑपरेटर इत्यादि, ये सारे क्लरिकल के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पहले ये पता करना है कि आप कौन से एक्ट के अंतर्गत आते हैं, सेंट्रल या स्टेट। दूसरा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है अनस्किल्ड से लेकर क्लरिकल के बीच में। तीसरा इसमें जो बात आती है वो है जोन। तो जनरली सभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो या तीन जोन बना रखे हैं अपने स्टेट या पूरे भारत के अंदर, जिसको जोन ए बी सी बोला जाता है। और आपकी जो वेजेस है वो अलग अलग जोन में अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में मुंबई या जो बड़े बड़े मेट्रो एरिया है उसको जोन सी बोला गया है, और जो रूरल एरियाज हैं उसको जोन ए बोला गया है। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जोन ए बी सी बना रखे हैं। ये जनरली उस सिटी के डेवलपमेंट पे और वहां की लिविंग कॉस्ट के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं कि कौन सा जोन आप पर लागू होगा ए बी सी में। कुछ कुछ स्टेट में फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में ऐसे अलग अलग जोनिंग नहीं की गई है, वहां पर एक सिंगल जोन ही है। और दोस्तों वेजेस की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। जो इस लॉ में मेंशन है वहां पर वेजेस की डेफिनेशन है बेसिक प्लस एचआरए एंड एनी अदर अलाउंस विच इज फिक्स्ड फॉर मंथली बेसिस। इसमें कोई स्पेशल अलाउंसेस नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई बारिश में कार्य करने के लिए एक्स्ट्रा अलाउंस मिल रही है, या फिर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो उसका आपको भत्ता मिल रहा है, वो इस अलाउंस में वेजेस में नहीं आएगी। लेकिन बाकी सब जो मंथली फिक्स्ड अलाउंस है जैसे आपका बेसिक एचआरए डीए ये सब हो गया, ये वेजेस के अंतर्गत आएगा। तो जनरली कुछ जगह इसमें वेजेस स्पेसिफाइड रहती है, लेकिन आप कुछ एक्ट देखेंगे जैसे कि महाराष्ट्र का एक्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट, तो उसमें स्पेसिफिकली बेसिक और स्पेशल अलाउंस लिखा है। तो उस केस में आपकी न्यूनतम बेसिक सैलरी उतनी होनी चाहिए और आपका टोटल स्पेशल अलाउंस उतना होना चाहिए, वो एक्ट में मेंशनड है। लेकिन जैसे कि आप राजस्थान की बात करेंगे तो वहां पर ओवरऑल वेजेस मेंशनड है, डिस्ट्रीब्यूशन मेंशनड नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका वेजेस वहां पर मेंशनड है या बेसिक प्लस स्पेशल अलाउंस। तो सबसे पहले उदाहरण के लिए हम राजस्थान की मिनिमम वेजेस एक्ट देखते हैं। मैं ये एक वेबसाइट पर देख रहा हूँ और बहुत सारी वेबसाइट है और राजस्थान गवर्नमेंट के ऑफिशियल सर्कुलर्स भी हैं, हम नीचे लिंक में दे देंगे। और जनरली अपडेट होती रहती है हर छः महीने में। देखिए आप इसमें देख रहे हैं जनवरी 1, 2018 से June 30, 2018 तक ये वैलिड है, और हर छः महीने में फिर थोड़ी सी अपडेट हो जाती है। तो सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं। देखिए राजस्थान में यहाँ पर आपको सारे शेड्यूल देखेंगे, ये एग्रीकल्चर ऑटोमोबाइल इसी तरीके से ब्रिक्स इंडस्ट्रीज, इस तरह से सारे शेड्यूल यहाँ पर आपको दिखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था राजस्थान में और कोई जोनिंग नहीं की गई है ए बी सी डी, यहाँ पर सिंपल कैटेगरी वाइज वर्कर्स को बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पे अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड स्किल्ड और हाईली स्किल्ड, राजस्थान में क्लरिकल वाली कैटेगरी भी नहीं है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप ₹213 पर डे वेजेस दी रखी है और मंथली दे रखा है ₹5,538, ये दे रखा है अनस्किल्ड लेबर के लिए एग्रीकल्चर में। उसी तरीके सेमी स्किल्ड की वेजेस है थोड़ी सी ज़्यादा है, स्किल्ड की थोड़ी और भी ज़्यादा है, और हाईली स्किल्ड की सबसे ज़्यादा वेजेस है। उसी तरीके से शेड्यूल वाइज ये वेजेस चेंज होती रहती है। मोर और लेस राजस्थान में तो सभी शेड्यूल्स के लिए सेम ही वेजेस दी गई है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा मेहनत करती नहीं है। अब यदि आपको सिर्फ डेली वेजेस दे रखी और आपको उसको मंथली वेजेस में कन्वर्ट करना हो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, तो आप सिंपली उसको 26 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको मंथली में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस शेड्यूल के लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था पीस वेजेस और बाकी सारी चीजें भी डिफाइन की जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए कि वॉशिंग क्लोथ 60 मिनट ₹757 पर मंथ, इस तरीके से जो डोमेस्टिक वर्क है उनकी भी वेजेस डिसाइड की गई है। जब आप इसका राजस्थान गवर्नमेंट का फुल सर्कुलर देखेंगे तो आपको वहां पर पीस वेजेस भी मिल जाएगी। पीस वेजेस मतलब कोई आप पर्टिकुलर जैसे टॉय बनाते हैं तो पर टॉय आपको कितना मिलना चाहिए, उस तरह से उसकी भी कुछ वेजेस राजस्थान के फुल सर्कुलर में डिफाइंड है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की भी मिनिमम वेजेस मैंने खोल रखी है, ये थोड़ा सा पुराना है, January 1, 2017 से 30 June 2017, बट यू गेट द आइडिया। इसी तरीके की आपको 2018 का सर्कुलर भी एक्जैक्टली ऐसा ही मिल जाएगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आपका सर्कुलर हम नीचे लिंक पे दे देंगे, बट यहां से हम कंसेप्ट समझते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें जोन अलॉटेड है, Zone 1, Zone 2, Zone 3। अब यहां पर आप देखिए बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्किल्ड लेबर की, तो जो जोन वन में उनकी सैलरी आ रही है ₹9,381 आ रही है, जोन टू में ₹9,081 आ रही है, और जोन थ्री में ₹8,781 आ रही है। तो जोन थ्री जो है वहाँ पे लोएस्ट वेजेस है और जोन वन में हाईएस्ट वेजेस है। तो जोन वन में मेट्रो एरियाज आ जाते हैं, जोन टू में छोटे टाउन्स और सिटीज आ जाती है, और जोन थ्री में रूरल एरियाज आ जाता है जहाँ पे थोड़ी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है। इसी तरीके से सारे शेड्यूल्स की मिनिमम वेजेस यहाँ पर मैंशनड है स्किल्ड अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड के हिसाब से। और ऊपर आप जब यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए बेसिक प्लस स्पेशल अलाउंस
का मिश्रण है ये वेजेस, यहाँ पर बेसिक भी मेंशन है 7,900 और जो स्पेशल अलाउंस है बाकी एचआरए वगैरह वो भी मेंशन है 3,024 रुपए। कई सारी स्टेट में ओवरऑल वेजेस मेंशन रहती है लेकिन महाराष्ट्र में बेसिक और स्पेशल अलाउंस को मेंशन किया गया है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन के आधार पर है कि वो क्या मेंशन करना चाहते हैं। आइए अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये सेंट्रल फेयर की ये वेजेस है अप्रैल 2018 से लेकर सेप्टेम्बर, ये भी 6-6 महीने में रिवाइज होती रहती है। अब इसमें आप देखिए जोन अगेन बना रखे हैं ए बी सी, तो ए जोन है वो सबसे महंगा है और सी जोन है सबसे कम वेजेस वहां पर है, और इसमें 5 कैटेगरी बना रखी है अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, क्लरिकल, और फिर नीचे लेफ्ट हैंड साइड में शेड्यूल्स दे रखे हैं, शेड्यूल के आधार पर आप अपनी वेजेस पता कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको समझ आया कि ये बहुत ही आसान है अपनी वेजेस समझना, यदि आपको 3 चीजें पता है, आपको अपना जोन, अपना स्किल लेवल और अपना स्टेट, दैट्स इट। अगर आपको ये 3 चीजें पता है तो आप अपने हिसाब से अपनी मिनिमम वेजेस निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया है तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी एम्प्लॉयड हैं, और पता करें कि कहीं उनको मिनिमम वेजेस से कम वेजेस तो नहीं मिल रही है।